बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नीतीश प्रेम को कौन नहीं जानता, खुद मांझी भी गाहे बगाहे इस बात की गवाही देते रहते हैं। अब एक बार फिर मांझी का नीतीश प्रेम सामने आया है। जहानाबाद में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मांझी ने मीडिया से बातचीत में प्रदेश के सीएम और जेडीयू नेता नीतीश कुमार के समर्थन की बात कही है। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जहानाबाद आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा कि मीडिया में तोड़ मरोड़ कर मेरे बयान को प्रस्तुत किया जा रहा है। बिहार में महागठबंधन के सभी दल पूरी चट्टानी एकता के साथ कायम है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव और सीट शेयरिंग अलग विषय है, आपसी सामंजस्य से सभी कार्य होंगे। कार्यक्रम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुँचे, वहीं उनकी मुलाकात भाजपा के पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव से हुई। हालांकि इस पर मांझी ने कहा कि यह संयोग से मुलाकात है, इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। इधर जहानाबाद क्षेत्र से ही लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद वरुण कुमार शनिवार को अमीन गांव पहुंचे। उन्होंने यहां गोलीकांड पीड़ित के स्वजन से मुलाकात कर संतावना दी। इस दौरान पूर्व सांसद ने कहा कि महागठबंधन की सरकार में अपराध का ग्राफ बदस्तूर बढ़ता जा रहा है, अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने में शासन प्रशासन नाकाम है। उन्होंने कहा कि शहर से लेकर गाँव तक अपराधियों का बोलबाला है। मौके पर उन्होंने पीड़ित परिवार से घटना की पूरी जानकारी ली। इस दौरान मृत युवक के पिता अवधेश महतो ने बताया कि पिछले शनिवार को बच्चों के बीच क्रिकेट खेलने के दौरान एक झगड़े में उसके पुत्र सुबोध की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि भतीजे संतोष को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। उसका पटना में इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार ने घटना को अंजाम देने वाले लोगों पर पुलिस का नरम रुख रखने का भी आरोप लगाया। पूर्व सांसद ने मृतक एवं जख्मी के आश्रितों को हर संभव सहायता देने की बात कही है। बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और इसमें 7 पार्टियां हैं। इस गठबंधन में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी शामिल है। बीजेपी महागठबंधन के छोटे छोटे दलों को अपने पाले में करके साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी 25 जुलाई को बड़ी घोषणा करने वाले हैं। उम्मीद है कि वो एनडीए का दामन थामेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही नीतीश कुमार से दूरी बना ली है, वो भी एनडीए का दामन थाम सकते हैं। महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी का भी मन डोल रहा है। सियासी गलियारों में कई कारण बताते हुए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।